आज यहाँ पे हम खंडोबा राया का जागरण करने वाले हैं। खंडोबा का जागरण हो रहा है, मुझे मालूम है वाग्या देवा। हाँ। लेकिन ये खंडोबा देव मतलब कौन? अब किस देव ने क्यों लिया ये अवतार? बताना पड़ेगा ना तुमको। बताना चाहिए। बताना पड़ेगा ना। हाँ। अब बोलो भी। बताना ही चाहिए। क्या हुआ मुराड़े? सत्य और असत्य ये लड़ाई पुरातन काल से आज तक चली आ रही है। वैसे ही देव और दानव इनमें अनंत काल से लड़ाई शुरू है। हाँ। अब बात ऐसी हुई कि विष्णु देव के कान के मल से मधु और कैटम नाम के दो राक्षसों ने जन्म लिया। क्या नाम बताया? मधु और कैटम। मधु और कैटम आखिर राक्षस ही वो। हाँ। उन्होंने पूरे त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया। ऋषि मुनियों को भयानक कष्ट देने लगे। और गरीबों को भी बहुत ही कष्ट दिए। सभी परेशान हो गए। कहने लगे विष्णु देवा, अरे ये किसको जन्म दे दिया आपने? विष्णु भगवान परेशान हो गए। लोगों को बहुत ही कष्ट होने लगे, अब राक्षसों को मारना ही पड़ेगा ऐसा कह रहे थे। हाँ। तो विष्णु देव ने सोचा कि इनको मारे कैसे, फिर? हम तो इनके जन्मदाता, अब मारे भी तो इनको कैसे, और नहीं मारे तो पूरा देवलोक वहाँ परेशान था। अब ये तो ऐसा हो गया, अपना ही सिक्का खोटा निकला तो क्या करे। पर विष्णु देव थे होशियार। हाँ। आखिर भगवान ही है वो। क्या? एक बार उन्होंने फाइनल कर ही दिया। क्या? उस मधु और कैठो को बुला के बोले, बाबा हो। हाँ। आखिर तुम लड़ना ही किससे चाहते हो? हाँ। लड़ना किससे चाहते हो वो एक बार बता ही दो, फिर क्या मतलब सवाल मिट जाएगा। नहीं, क्या बोले वो? वो बोले कि हमें शिव शक्ति से लड़ना है। शिव शक्ति से? सच है। शिव शंकर से और पार्वती से? आता को भैया। फिर विष्णु देव बोले, हाँ। अरे बाबा, ये तुम भी कर पाओगे पर अभी नहीं कर पाओगे, फिर ये तुम्हें कृतयुग में करना पड़ेगा। कृतयुग में? हाँ, तुम्हारा नया जन्म होगा, तब आदि माया पार्वती भवानी का रूप लेगी। हाँ। तब तुम ये काम जरूर कर पाओगे। ऐसा क्या? तो उन्होंने सोचा कि ये जन्म लेके फायदा क्या है, इसे छोड़ दो। हाँ। देखा कैसी होशियारी की विष्णु देव ने। होशियारी की पता है क्या? हाँ। मतलब काठी भी नहीं टूटनी चाहिए और सांप भी बनना चाहिए। बस मुराड़े, अब तू भी समझ गई। और विष्णु देव ने उनको ऐसे बताया। हाँ। और फिर उन्होंने दूसरा जन्म लिया, शुंभ और निशुंभ के रूप में। शुंभ? शुंभ और निशुंभ के नाम से। अब इन्होंने जन्म तो ले लिया। हाँ। और फिर आदि माया पार्वती ने भवानी माता का रूप लेकर उन दोनों राक्षसों का संहार कर दिया। अगो भैया, क्या बोल रहे हो? परंतु उनके मन की इच्छा पूर्ण रह गई। फिर भी? और फिर उन्होंने दूसरा जन्म लिया। कौन सा? मणि मल्लासुर के रूप में। इन दैत्यों का क्या करें? हाँ, इतनी आसान बात नहीं है राक्षसों की। वाघो बाबू। हाँ? खंडोबा ने अवतार क्यों लिया है वो बता रहे थे ना? बताना चाहिए। तुमने तो कुछ और ही शुरू कर दिया। शाबाश, कैसा है मुराड़े, तुम अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हो। मैंने सब अच्छे से बताया, फिर भी तुम्हारे ध्यान में नहीं आ रहा है। सबके सामने कहना जरूरी है क्या? अरे वैसे नहीं, पर सबको मालूम होता है नहीं होता है उनको भी मालूम होना चाहिए ना। फिर बोलो। तो अब उन्होंने अगला जन्म लिया मणि और मल्लासुर के रूप में। मणि और मल्लासुर? और उन्होंने भी छल शुरू किया।
तीनों लोकों में उन दोनों ने हाहाकार मचाया। परेशान हो गए सब लोग। गौर गरीब ऋषि मुनि वहाँ तपस्या कर रहे थे और ये वहाँ जाके उनकी तपस्या भंग कर रहे थे, होम हवन तोड़ रहे थे। बहुत परेशानी हुई सबको। तो अब किसी को भी हानि ना पहुँचे और किसी को परेशानी ना हो, इसलिए नारद मुनि ने सबको धवलगिरी पे सबको सुरक्षा हेतु रख दिया। और फिर सब गए विष्णु देव के पास। बोले देवा, अब आप ही इससे कोई तो अच्छा मार्ग निकालो। पर अब विष्णु देव हो गए परेशान, क्योंकि उन दोनों दैत्यों का अंत करना विष्णु देव के हाथ में था ही नहीं। अब क्या, तो अब ये हुआ कि सब देवलोक मिलके गए हिमालय पर्वत पे भगवान शंकर के पास। ऐसा क्या? भगवान, हम मानवों की और देवों की अब आप ही रक्षा कीजिए। आपके सिवाय हमारी रक्षा और कौन करेगा? मुनिवर, निर्भयता से आपके क्लेश कथन कीजिए। देवादिदेव, मणिचूर पर्वत पर मणिमल्ल दैत्य ने अपना राज्य स्थापित किया है। ब्रह्मा के वर से वो बहुत उन्मत्त हो गए हैं। सारे देव मानव और पाताल लोक को परास्त करके उन्होंने हजारों लोगों की हत्या की है। उसके भय से हम गुफाओं में छिपकर आश्रय ले रहे हैं। भगवान, इन मणिमल्लों का तांडव ऐसे ही चलता रहा तो सारा त्रिलोक निर्वंश हो जाएगा। महामारी प्रकट हो, जागृत हो, मणिमल्ल के खून की एक एक बूंद पी के शांत हो जाओ। देवादि देव, क्रोध मत कीजिए। जिस मणिमल्ल ने त्रिलोक को त्रस्त किया, उनका अंत आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। ये काम अकेली ध्रुतमारी नहीं कर सकती। सच है, ब्रह्मवर को आह्वान देने वाला अवतार मैं लूंगा। उसे लोग मार्तंड भैरव के नाम से जानेंगे। मार्तंड भैरव, मार्तंड भैरव, मार्तंड भैरव। हे मल्ला, हम जा जाते वहां पहले से सन्नाटा छाया हुआ होता है। मणि, लगता है हमें देख के मानव देव दानव त्रिलोक से भाग गए। अरे मल्ला, इस सारे भूतल पे हमारा ही राज होना चाहिए। जो हमें विरोध करेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सच है मणि। अरे, ये कौन सा प्राणी है? देव नहीं, दानव नहीं, मानव नहीं, या भूत योनि की डायन है? अरे मूर्ख, तेरी मौत हूं मैं। शिव शंकर के जटाओं से जन्म हुआ है मेरा। मैं उनकी मानस कन्या ध्रुतमारी यानी महामारी हूँ मैं। ए महामारी, अगर तुझे जिंदा रहना है तो अभी यहाँ से निकल जा। हम पृथ्वी पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे मूर्ख, इतना घमंड मत कर।
अगर तुम्हें तुम्हारी जान की परवाह है तो उस शिव शंकर के पैर पकड़ो। तुम मेरी बात समझ सकते हो इसलिए मैं तुम्हें समझाने चली आई। अरे तुम्हारा अंत तूफान बन के आया है। तुम किससे बात कर रही हो? हम त्रिलोक के राजा है। अरे मूर्ख दैत्यो, साक्षात मृत्यु को आंखों के सामने देख के भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इसी का मतलब तुम्हारा अंत समीप आया है। अरे मूर्ख, मैं महामारी हूँ, इसी क्षण तुम्हारा अंत कर दूंगी, मेरे साथ युद्ध करो। अच्छा तो हो जाओ तैयार। भैरव मुझे क्षमा कीजिए, तुम्हारे हाथ से मेरा मृत्यु आकर मेरा उद्धार हो ऐसा मुझे वरदान दीजिए। मणिमल्ल, तुमने गरीबों पे बहुत अत्याचार किए, तुम्हारा अंत करने के लिए मुझे मार्तंड भैरव का अवतार लेना पड़ा, लेकिन तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी एक इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। हे भगवान, तुम्हारे नाम के पहले मेरा नाम लिया जाए। हम दोनों भाइयों के देह आप आसन रूप स्वीकार करें, तुम्हारे भोले भाले भक्तों का पशु हत्या का फल हमें प्राप्त हो और उन पशुओं को मोक्ष प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना है। मार्गशीर्ष महीने का आज का शुद्ध चंपा षष्ठी का ये दिन लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम्हारे जैसे दैत इस पृथ्वी पर दोबारा जन्म ना ले, इसलिए इस भूमि पर मेरा वास्तव्य रहेगा। मेरा स्वयंभू लिंग यहां पे उत्पन्न होगा। जय मार्तंड भैरवा।
अब हम ठहरे भगवान के कुछ महत्वपूर्ण लोग। कारण पूछो। क्या कारण बताओ? क्योंकि हमको भगवान का जागरण करना पड़ता है। ऐसा क्या? हमें भगवान की पूजा करनी पड़ती है। अच्छा। और तो और हमें लंगर भी तोड़ना पड़ता है। हा? हम क्या करते हैं मालूम क्या? क्या हमारी तो शादी हुई है देव के साथ। अगवा कृष्ण की हम मुरली। अरे 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 मुरले। हम तो बातें करते करते झगड़ने ही लग गए। ये क्या? तो मालसावर बानाई जैसा हो गया। मालसावर बानाई जैसे मतलब? मुझे तो लगा ही था कि तुम ये सवाल जरूर पूछोगी। अरे मालसावर बानाई मतलब मार्तंड भैरव की दो पत्नियां। अगो भैया, ये खंडोबा की दो दो बीवियां थी। होती है किसी किसी की। उसमें क्या है, है? आगे तो बोलो। अरे ये दो सौतन हमेशा झगड़ती रहती थी, जैसे अब हम झगड़ रहे हैं। अरे फिर ये देव क्या करते थे? देव क्या करेगा, मारसा बनाई भांडती, देव मल्हारी हंसती, हंसते रहते थे वो और क्या। अरे लेकिन मुझे बताओ, अरे ये दोनों किस लिए झगड़ती थी? अरे उसके लिए कोई कारण लगता है क्या? उसका क्या था, मारसा और बनाई के विचार थे अलग अलग। हाँ। फिर भी दोनों एक ही थाली में खाने के लिए बैठते थे। एक थी धनगर की बेटी और दूसरी थी लिंगायत वाणी की। लेकिन मल्हारी मारतंड से दोनों उतना ही प्यार करती थी, इसलिए मल्हारी के पास रहती थी। लेकिन एक थी शाकाहारी और दूसरी मांसाहारी, तो एक साथ खाएंगे कैसे। लेकिन एक थी धनगर और एक लिंगायत वाणी। हाँ। फिर भी मल्हारी मारतंड पर दोनों का उतना ही प्रेम। हाँ। फिर क्या? और अब आगे की कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ बताओ ना। अब मल्हारी मारतंड ने, हाँ, यानी भगवान शंकर ने ये रूप लिया था ना। हाँ। और ये रूप लेकर उन्होंने मणि और मल्ल नाम के दो दैत्यों का अंत कर दिया, नाश कर दिया। पर देव अब यही रुक गए। ऐसा और पार्वती माता वहाँ चिंता कर रही थी ना। पार्वती यहाँ आ गई क्या? और क्या, पागल हो क्या तुम? अब मुझे ये बताओ कि मणि और मल्ल दोनों का अंत करने के लिए भगवान ने ये रूप लिया, इस अवतार में उन्होंने हाथ में खड्ग लिया, इसलिए उन्हें खंडोबा कहते हैं। ऐसा क्या, मुझे मालूम नहीं था। तुम्हें सब कुछ समझाना पड़ता है। बताओ, अब बताओ। तुम्हें और एक बात बताता हूँ। हाँ। एक बार क्या हुआ, ये अपने भगवान महादेव, हाँ, वो विष्णु जी का मोहिनी रूप देखकर इतने पागल हो गए, इतने घायल हो गए। तुम क्यों शर्मा रही हो? अरे मुझे ऐसे क्यों मार रही हो तुम? अब भगवान ऐसे मोहिनी के पीछे पीछे गए तो मेरे को लाज नहीं आएगी क्या? अरे पागल, तुम्हारा नाम मोहिनी है तो क्या हुआ, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। अरे विष्णु जी ने जो मोहिनी का अवतार लिया था, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ऐसा क्या? और नहीं तो क्या? अब बताओ भी आगे क्या हुआ ना। अब मोहिनी के पास गए शंकर भगवान। अब तुम्हें आगे बताने से अच्छा है तुम ही देखो। मोहिनी, 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 मुझे छोड़ के मत जाओ मोहिनी। तुम्हारे रूप से मैं मोहित हूं, घायल हूं। मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ छोड़ के। देवा, महादेव, ये आप क्या बोल रहे हैं?
मैं आपकी कैसे हो सकती हूँ? समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत मुझे बांटना है। तुम्हारा कार्य तुम जरूर करो, लेकिन उसके बाद मेरी हो जाओ। तुम्हारे बिना यह संसार कुछ भी नहीं। देवा, मेरे मोहिनी रूप की मुझे ही शंका थी, वो दूर हो गई। तुम्हारा रूप तो, तुम तो साक्षात लावण्यवती हो। स्वर्ग लोक की रंभा, उर्वशी, सारी अप्सराएं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। तुम्हारे सामने सब कुछ तुच्छ है। भ्रमर जैसे कमल में खुद को बंद कर लेता है, वैसे ही तुम्हारे हृदय में मुझे छुपा लो। महादेव, आप सौंदर्य के भोगते हो, इसीलिए आप देवलोक छोड़कर कैलाश में वास्तव्य करते हो। परंतु मुझे क्षमा करे भगवंत, मैं साक्षात विष्णु हूँ और मोहिनी ये मेरा अवतार है। महादेव, आप दुखी मत होइए, आपके मार्तंड भैरव अवतार में मोहिनी और पार्वती के रूप में महासा रूप में आपकी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा वचन मैं आपको देती हूँ। विष्णुदेव, मार्तंड भैरव अवतार में तुम्हारे इच्छा अनुसार मैं महासा से विवाह करूंगा। उसे गणपति साक्षी होगा और साक्षी गणपति इस नाम से उस अवतार में वो प्रसिद्ध होगा। हे शंभू महादेव, तुम भक्तों की सुनते हो तो हमारा दुख तुम क्यों नहीं देख पा रहे हो? देवा, ये किस जन्म का अपराध है जिसलिए तुमने मुझे मातृत्व नहीं दिया? देवा, आपकी कृपा से बहुत धन संपत्ति है। नेवासा में इस टीम सेट को मान है। सारे गांवों में हम अन्न धान्य बेचते हैं, पर इसका क्या उपयोग? घराने को वारिश चाहिए। इतनी कृपा करो भगवान, तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। अन्न त्याग करके हम जीवन समाप्त कर देंगे, कृपा कीजिए। टीम शेठ, साक्षात मैं तुम्हारे घर में जन्म लेने वाली हूँ। शंभू महादेव मार्तंड भैरव के अवतार में मेरा पत्नी स्वरूप स्वीकार करेंगे। उन्हें मेरी पहचान हो इसलिए मेरा नाम महासा रखे। खाना मुराले, इस तरह भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और भगवान शंकर हो गए घायल। फिर भगवान विष्णु बोले कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, लेकिन मार्सा के रूप में। अब मार्सा बन गई कौन? तो पार्वती और मोहिनी, इन दोनों का एकत्रित रूप मतलब मार्सा, समझ गई ना? आप समझे, लेकिन मुझे पता बानाई का क्या हुआ रे? अरे शाबाश, मतलब बानाई कौन? आगा, वही सोचा, एक सवाल खत्म हो गया, दूसरा है ही। अब बानाई मतलब कौन थी उनके बारे में भी थोड़ा बताता हूँ मैं। इंद्रदेव को 7 बेटियाँ। अब 7 बेटियाँ एक से एक दिखने में सुंदर और एक से एक होशियार थी। अब इंद्र की बेटियाँ और नहीं तो क्या? अब 7 बेटियों की विवाह की उम्र हो गई। फिर इंद्रदेव ने उनको बुलाया और बोला कि अब तुम्हारा विवाह करना चाहिए। अब 7 बेटियां कहने लगी कि अब आप ही ने हमें जन्म दिया है और आप ही है इस पृथ्वी के भगवान। अब आप हमारे कल्याण के लिए कुछ अच्छा करेंगे ही। हाँ, सच है, तो अब हमारा कल्याण आप ही कीजिए। हाँ, सच है, सच है। पर ये कहना था 6 बेटियों का, ऐसा क्या? पर 7वीं निकली अलग। क्या कारण उसने? और ही बोला। क्या बोली उसने? कहा मेरा कल्याण मैं करूँगी। इंद्रदेव से कहा। हाँ, फिर इंद्र भगवान ये एकदम नाराज हो गए
बहुत गुस्सा हो गए, कहने लगे ये कैसी बेटी है मेरी। उनको बहुत गुस्सा आया, फिर क्या किया उन्होंने, क्या किया, उसे छोटी बच्ची बना दिया। छोटी बच्ची बना दिया? बहुत छोटी बच्ची। फिर बिठा दिया उसे टोकरी में, ऐसा क्या, बाजू में रखा बांध, और फिर भेज दिया पृथ्वी पे। अगु भैया कैसे किया रे उसने, और क्या, पर तुम्हें बताऊं मुराले, हाँ? जिसके पीछे भगवान उससे कैसा डर। चलो चलो जल्दी चलो, बहुत देर हो गई, अरे संभल के चलो फिसल जाओगी। हे जी, हाँ? ये तो कोई राजा की बेटी लगती है। हाँ 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 बिल्कुल, तुम सच कह रही हो, कितनी प्यारी बच्ची है, और जंगल में अकेली ऐसे टोकरी में किसने रखा होगा। आजी, हाँ? शायद इसे भूख लगी है, हम इसे घर लेके जाएंगे। क्या, घर को? हाँ। अरे ये क्या बोल रही हो, न जाने किसकी बच्ची है, मालूम तो पड़े। सुनिए ना, हमें बच्चा नहीं हुआ है ना, इसीलिए भगवान शंकर ने मेरी सुनकर मुझे बच्चा दिया है। तुम जो बोल रही हो सच है, जानता हूँ मैं तो, लेकिन इसके माँ बाप आ गए तो? उसके पहले ही हम उसे अपने घर लेके जाएंगे। नहीं नहीं सुनिए ना, मेरी माँ की ममता को दूर मत कीजिए। अरे ए जी, आप मना मत करो ना, मेरी बाणाई को बहुत भूख लगी है। क्या बोली, बाणाई? हाँ, हाथ में बाण पकड़ी हुई बाणाई। हाँ हाँ बाणाई, बहुत अच्छा नाम है बाणाई। चलो ठीक है, हाँ? तुम कहती हो तो उसको ले जाते हैं घर। हाँ ये लो पकड़ो, उठाओ पकड़ो उसको, उठाओ। अरे आले आले मेरा बच्चा, आजा बेटा आजा बेटा। वो आ गया? हाँ? बानाई बान के साथ खेल रही थी ना? हाँ? कैसे? अरे बताता हूँ ना तुम्हें, बताओ क्या ना? हुआ, हाँ? पार्वती देवी की एक दासी थी। हाँ? वो एक बार महादेव पे मोहित हो गई। अगो भैया, हाँ? महादेव पर? और नहीं तो क्या, फिर क्या किया उसने? किसी का होता है बड़ा मन, उसमें क्या है। वो ठीक है, लेकिन उसने क्या किया? बहुत जलने लगी। किससे? पार्वती पर ईर्ष्या करने लग गई, और एक दिन एकदम से पार्वती को बोली कि तुम्हारा पति मुझे दे दो। तो पार्वती ने ऐसे कहा कि अब हाँ? मेरे पति से ही जाके पूछ लो तुम, मतलब शंकर और को? नहीं तो क्या। अरे वो तो बहुत भोले, हाँ? कहाँ होगा, आओ बे आओ, तुम्हारे साथ भी शादी करता हूँ। हाँ तुम सच कह रही हो, पर आधा ही सच, मतलब शंकर भगवान बोले कि मैं हाँ? तुम्हारे साथ विवाह करूँगा, पर अगले जन्म में मल्हारी मारतंड का अवतार लूंगा, और इस नए जन्म में मैं तुम्हारे साथ यानी बाणाई के साथ हाँ? विवाह करूंगा। ऐसा क्या? हाँ? फिर वो दासी होशियार, हाँ? वो बोली भगवान हाँ? मुझे फंसा तो नहीं रहे, क्यों रे, मुझे पहचानोगे कैसे बाणाई के रूप में। सच है रे वागे। फिर शंकर भगवान को ये बात समझ आई। फिर क्या कहा भगवान? उन्होंने दिया उसके पास एक बाण, कहा कि ये बाण तुम्हारे पास ही रखो। ऐसा क्या? फिर मैं तुम्हें जरूर पहचानूंगा। ऐसा क्या? और फिर ये बाणाई उस धनगर के घर में पली बढ़ी, और हर रोज वो भगवान शंकर की पूजा करती थी, मन से पूजा करती थी, और उसी वक्त म्हारसा भी बड़ी हो गई थी। अग भैया अब क्या करने, हो गई ना मुश्किल। उसके माता पिता चिंता करने लग गए कि अपनी बेटी की शादी तो करनी चाहिए, और बहुत जल्दी करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए, चिंता तो होगी। हाँ, वो तो सही बात है, सही बात है। तो अब यहाँ पे बात ऐसी हुई, कैसे? पहले शादी हो गई म्हारसा की। म्हारसा की शादी हो गई पहले? म्हारसा की शादी हो गई, और वो दिन कौन सा था जरा बताओ तो मुझे। पौष महीने की पूर्णिमा। बराबर बराबर। अब तब से खंडोबा को म्हारसा कान बोलते। अरे वाह, हाँ। देखा मुराले, क्या विद्वान आदमी के संगत में रह के बेवकूफ आदमी भी कैसा विद्वान हो जाता है। चल मेलिया, हमेशा मुझे चिढ़ाता है, बोल आगे। अरे हाँ आगे बताता हूँ। अरे मेरे विद्वान आगे बोलो। अरे हाँ ऐसे आगे तो बताने ही वाला हूँ। बताओ ना। पर तुम विद्वान की संगत मत छोड़ना। तो हुआ ऐसे कि अब इसके साथ शादी तो कर ली है, अब भगवान शंकर ने तिमशेठ के स्वप्न में जाकर उसको दृष्टांत दिया। कौन सा दृष्टांत दिया? उन्होंने तिमशेठ से कहा कि मैं यहाँ पाली में मल्हार मारतंड नाम से रहूंगा। हाँ। ये नया अवतार मैंने लिया है,
हमारे सको वहाँ लेके आओ और हमारा विवाह करा दो। भैया फिर बहुत जोरों से शादी हुई। अरे धूमधाम से शादी तो क्या हो गई। अब शादी हो गई। हाँ। भगवान शंकर और महर्षा देवी जेजुरी में आकर अच्छे से रहने लग गए। ऐसा क्या? पति पत्नी गृहस्थी अच्छी चल रही थी उनकी। हाँ। बहुत सुख शांति से। अब भगवान शंकर को बीच में ही बाणाई को दिए हुए वचन की याद आ गई। बाणाई, मैं स्वयं तुमसे मिलने आया हूं। तुम्हें दिए वचन अनुसार मैं तुम्हारा स्वीकार करूंगा। ये खड़ाव रख लो, यही तुम्हें मेरे पास ले आएगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा। खेलिए। छः, मार्सा अजीब बात है ना, ये सारीपाट का खेल और हमारे जीवन में कितनी समानता है ना। वो कैसे? सारीपाट के खेल में सामने वाला कौन सी चाल चलेगा वो समझ में नहीं आता, वैसे कौन सा दान आएगा वो भी पता नहीं चलता। अगर हम खेल खेलने में समाधानी हो तो हमें हारने का दुख कभी होता ही नहीं है।
नाथ, क्या हुआ? खुद से क्यों बातें कर रहे हो? हाँ? मैं सोच रहा हूँ कि हम शर्त सारी पाठ खेलते हैं। इसका मतलब क्या है? शर्त सारी पाठ मतलब शर्त लगा के सारी पाठ खेलते हैं। नहीं तो खेल में मजा नहीं आता, रंग नहीं चढ़ता। बोलो कौन सी शर्त रखें? मैं क्या बताऊं, आप ही बोलिए। मैंने आपकी कोई बात टाली है? तो ठीक है, और एक बार खेलते हैं। इस खेल में जो हारेगा वो 12 बरस के लिए वनवास जाएगा। वनवास? 12 साल? नहीं चाहिए तो फिर जो भी हारेगा वो... नहीं नहीं, ठीक है। दान ही नहीं आता। खेलिए। जीत गई। कितनी अजीब बात है ना, कभी कभी हमारी शर्त हमें ही भारी पड़ती है। अब मुझे 12 सालों के लिए वनवास में जाना पड़ेगा। नाथ, ये क्या हो गया? मैं मेरा शब्द वापस लेती हूँ। नहीं नहीं, मैंने बात टाली तो मेरा विश्वास कौन करेगा? मुझे वनवास में जाना ही पड़ेगा। सुनो ए भाई, पानी लीजिए। हाँ हाँ जी जी। ये मेरी बेटी, बानाई, बानाई नाम है इसका। हाँ लीजिए, पानी पीजिए। वैसे आप भी धनगर है ना? हाँ नहीं, तुम भी धनगर हो ना? हाँ मैं भी धनगर ही हूँ। नाम नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम मार्तंड है, मार्तंड। मार्तंड भैरव उपनाम है मेरा। हमारे भगवान जैसा नाम है आपका। गांव कौन सा बताया तुमने? गांव यानी वो वहां दूर, वो सह्याद्री पर्वत पे वो कड़े पटर है ना, वो इतना दूर? हाँ। अच्छा तो बहुत दूर से आए। हाँ अब क्या करे, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। अच्छा हाँ, वहाँ पे कुछ काम नहीं था। हाँ। कोई भी काम करूंगा मैं यहाँ पे। अब वो ठीक है, पर हमारे पास कहाँ है काम? पर आप बोल रहे तो नहीं, बकरिया है मेरे पास, पर रोज दिन भर चराना पड़ेगा उनको। हाँ दिन भर चराने का। हाँ और शाम को दूध भी निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ जी जी करूंगा। नहीं वैसे कर पाओगे ना? हाँ करूंगा ना, जन्म से धनगर हूँ ना मैं। तो बात पक्की? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर कल से? हाँ आता हूँ, आता हूँ। ले जाओगे ना बकरिया? ए
बेबान है। क्या हुआ? अरे ऐसे कैसे काट रही घास? आप जरा चुप बैठिए ना, आप चिंता मत करो। अरे कीड़े काटे देख कर काटना। ए बा नहीं, ए बाबा तेर महादेव। अरे सारे गांव में ढूंढा और तुम यहाँ बैठे हो। अरे क्या हुआ, क्या इतना चिल्लाने को क्या हुआ? वो आपका नया नौकर बकरिया लेके गया पहाड़ पे। हाँ लेके गया है वो बकरिया चराने। तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे क्या करना है, तुम्हें परेशानी ना हो इसलिए बता रहा हूँ। ये महादेव ठीक से बताना क्या हा? क्या हुआ वो बताएगा या ऐसे ही बातें करता बैठेगा? तुम्हारा वो नया नौकर है ना हा? उसने सारी बकरियों को मार डाला क्या? और रख दिए है पहाड़ पे। क्या क्या कह रहे हो? अरे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और वो शाह ना वहाँ बैठ के रोटी खा रहा है। बकरियां काट दी मेरी, हे भगवान, हे बाने, अब क्या करने का? पिताजी अब देखिए, अभी उस मार्तन की खबर लेती हूँ, उसे अच्छा सबक नहीं सिखाया तो बाणाई नाम नहीं लगाऊंगी। सारी बकरियां काट। अरे बाणाई, अरे तू अकेले कहाँ जा रहे? रुक रुक, मैं आता हूँ साथ में। रुक 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 रुक। खाना खा रहे हो? हाँ, खाना बहुत अच्छा हुआ है। तुम्हें कुछ शर्म है कि नहीं? सब बकरियाँ कहाँ है? वो क्या उधर खाई में छील के रखी है, इधर उधर भाग रहे थे, अब कैसे चुपचाप सोए हुए। हाँ, अच्छा किया ना। मेरी सारी बकरियाँ काट दी तूने, अब हम क्या मिट्टी खाए क्या? पिताजी आप इसे पकड़ो, पकड़ो इसे, अभी इसी वक्त इसकी जान ले लूंगी मैं। मुझे काट के बकरियां थोड़ी ना जिंदा होगी। तो क्या तुम उन्हें जिंदा करोगे? हाँ करूंगा ना। सच में करोगे क्या? अरे बाबा धनगर की सच्ची धन दौलत तो ये बकरिया ही है। कैसे जिंदा करोगे रे तुम इन्हें? जैसे मारा वैसे जिंदा करूंगा। कर बाबा कर, जो भी करना है जल्दी कर, और मेरी सारी बकरियां लौटा दे मुझे। जी बाबा जैसा चाहोगे वैसा होगा, लेकिन एक शर्त है। ये देख, अभी शर्त हद की बात मत कर। अब क्या है क्या तुम्हारी शर्त, बोल। इस बानो के साथ मेरा विवाह कर दो तो ही मैं बकरिया जिंदा करूंगा। अरे हमने तुम्हें नौकरी दी, खाना दिया, इसके उपकार ऐसे चुका रहे हो, ये कैसी मांग है तुम्हारी? मैं नहीं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। ठीक है रहने दो, ये लो तुम्हारी लाठी लो और ये कंबल लो। उधर बकरियां पड़ी है, इधर चमड़ी पड़ी है, मैं चला। अरे ये सुनो ना, ऐसे क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी करूं? क्यों, मुझ में कुछ कमी है क्या? अरे बाबा वैसे नहीं, पर खंडोबा को मैंने जी जान से अपना पति माना है, उनके साथ शादी होने वाली है मेरी, मैं दूसरे किसी के साथ कैसे शादी करूं? होने वाला है ना, अभी तक हुआ तो नहीं है ना, तो मेरे साथ करो ना विवाह, मेरा नाम भी तो मार्तंड है कि ना बाबा। रहने दो मैं चला, वहां बकरियां पड़ी है, यहाँ चमड़ी पड़ी है, मैं चला। ए अरे अपनी बेटी जैसे पाला है मैंने तुझे, उसके बदले में आज तक तुमसे मैंने कुछ भी नहीं मांगा। बाने अपनी बकरियां मर जाएंगी तो हम सड़क पे आ जाएंगे, इसलिए कहता हूँ इतना मान ले, उससे शादी करके बात खत्म कर दे। पिताजी आप ये कह रहे हो? क्या करूं बेटी, कोई चारा भी नहीं, अरे एक धनगर के लिए उसकी बकरियां ही सब कुछ होती है, इतनी बात मान ले बेटी मेरी। पिताजी मैं आपकी बात नहीं टालूंगी, आप जो कहोगे वैसे ही करूंगी। अच्छा बाणाई मैंने तुम्हारी परीक्षा ली,
अब हम दोनों विवाह करके जेजुरीगढ़ पे जाएंगे। बाबा वो देखिए आपकी बकरियां जीवित है। धन्य हो तुम खंडेराया। इस बाणाई के लिए धनगर बना। धन्य हो तुम। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। मारसा देवी, पृथ्वी पर स्वर्ग समझा जाने वाला सोने का गढ़ जेजुरी, उसे छोड़कर आप वन में क्या कर रहे हो? और ये क्या आपकी आंखों में आंसू? बराबर है, विरह विरह दाह ये अग्नि दाह से ज्यादा जलाता है, सच है ना मुनिवर? आपसे त्रिलोक की कौन सी चीज छुपी है? आप सर्वज्ञ हो। जब से मेरे स्वामी मल्लारी गए हैं, मुझे उनकी कोई खबर नहीं, उनकी तरफ से कोई दूत भी नहीं आया। माते, इस जगत में हर एक प्राणी मात्र स्वयं केंद्री और स्वयं प्रेमी होता है। पहले स्वार्थ होता है और फिर परमार्थ। ये तो प्राणी मात्रों का धर्म है माते। मेरे स्वामी क्या वैसे है? नारायण नारायण, आप कितनी निष्पाप है, कितनी भोली है। आपके इस निष्पाप नजर को सब कुछ सर्वांग सुंदर और पवित्र दिखता है। पर माते, इस विश्व में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। मुनिवर मुनिवर, पहेलियां मत बुझाइए, मुझे साफ साफ बताइए, मेरे स्वामी कुशल है ना? सुखरूप बिल्कुल आनंदी है। हाँ माते, पर आप क्यों रो रही हो? देव मल्लारी सच में सुखी है ना? सुखी, पूरा नलदुर्ग सुखी है, और क्यों ना होगा। भगवान मल्लारी का धनगर के बाणाई के साथ विवाह हो रहा है ना। क्या? ये क्या, आपको कुछ नहीं पता? ये सच है क्या? क्या कहे भगवान मल्लारी को, अपने विवाह का निमंत्रण अपनी पत्नी को नहीं दिया? आप सच बोल रहे हो? तो क्या स्वामी ने दूसरा विवाह कर लिया? नारायण नारायण, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। स्वर्ग से उनके विवाह के लिए तो निकला था, रास्ते में आप मिल गई तो सोचा आपको साथ लेकर ही वहां जाऊं। तो हम चले। मैं विवाह में? मुनिवर क्या बोल रहे हैं आप, मैं मेरी सौत देखने का हूं। सच है, दुख तो होगा, क्रोध भी होगा, पर भगवान मल्लारी भी ऐसा क्यों करते हैं समझ में नहीं आ रहा। इतने सौभाग्य से आप जैसी पत्नी उन्हें प्राप्त हुई और आपको फंसा कर उन्होंने वनवास ले लिया। ठीक है, लिया तो लिया, पर उस बाणाई के घर में जाकर रहे, और सिर्फ रहे ही नहीं, उसके घर में नौकर बन के रहे। नारायण नारायण, इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता है माते। प्रीति में कितनी मूढ़ता आ जाती है। बस बस, आने दो उनको, भाषा का रौद्र रूप दिखाती हूँ उनको, मेरी सौत लाएंगे। क्या समझ क्या रखा है? वही कह रहा हूँ मैं, क्या समझते हैं अपने आपको? हाँ, भगवान मल्लारी आपके बारे में इतना भी नहीं सोच सकते? और कौन सी स्त्री अपने पति का बंटवारा चाहेगी, उसे कितनी पीड़ा होगी, कितने कष्ट होंगे। छोड़ो, जाने दो, चलो क्या हम निकले विवाह में? मुझे उनकी स्वागत की तैयारी करनी है, आने दो उनको, देखती हूँ। नारायण नारायण, मेरे निमंत्रण देने पर भी ये नहीं आ रही है। खंडेराया चलग नाला,
नवरी नटली कालबाई सुपारी फुटली, नवरी नटली कालबाई सुपारी फुटली, नवरी नटली कालबाई सुपारी फुटली, कालबाई सुपारी फुटली, खंडेराच्या लग्नाला बानू नवरी नटली, खंडेराच्या लग्नाला बानू नवरी नटली, नवरी नटली कालबाई खाना तुमने कितना बड़ा उत्सव। अब इस प्रकार भगवान मल्हारी का और बाणाई देवी का नलदुर्ग के पास इतने जोरों शोरों से विवाह हो गया। हो गए तो? शादी हो गई। 33 कोटि देव आए होंगे शादी में, यक्ष किन्नर देव दानो आए थे ना। मुझे एक बात पहले बताओ, एक घर में 200 रहेगी कैसे? कैसे मतलब? कैसे मतलब बताओ ना कैसे रहेगी? उसमें क्या है? ये हमारे मल्हारी मार्तन को तो मालूम ही था। ऐसे क्या? और उसमें महासा देवी मतलब जगदम्बा का अवतार ही थी भैया। हाँ? फिर क्या, पर हमारे मल्हारी मारतन थे, मजा किया। हाँ। बहुत मजा किया। हाँ। मतलब कोई भी संकट क्यों ना आए। हाँ। हंसते हंसते उसका सामना करने वाला। लेकिन उस औरत का क्या? हाँ? दो सौतन कैसे बात करेगी एक दूसरे से? अरे बोलेंगी मतलब क्या, तुम्हें एक बात बताता हूँ। हाँ? जब मल्हारी मारतन बाणाई को लेकर जेजुरी गए थे, तब महर्षा देवी दरवाजे में उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। उनके स्वागत में खुद खड़ी थी? माँ कसम सच बोल रहा हूँ। वाह वाह वाह, हमारे स्वागत के लिए तुम दरवाजे पे आके खड़ी हो। हाँ, पति ने कोई पराक्रम किया ना तो उनका स्वागत ऐसे ही किया जाता है। आ, वाह वाह, हाँ प्रथा है। आओ आओ इधर आओ, आरती उतार रही हो ना। ऐसा कौन सा पराक्रम किया है आपने? या फिर सौत लाने पर उत्सव मनाऊं, या फिर मिठाइयां बांटूं? मार्तंड भैरव अवतार में इस बाणाई से विवाह करूंगा ऐसा वचन दिया था मैंने उसको। अच्छा? हाँ, इसीलिए मैंने। इसलिए आप मुझे धोखा देकर इनके घर नौकर बन के रहे, राजमहल का सुख छोड़ के इनके यहाँ गाय भैंस धोते रहे। ऐसा क्या जादू किया इसने? अरे ए चुप बैठो। हाँ, मेरे पति की पहली बीवी हो इसलिए बहुत सुन लिया तुम्हारा, पर इस जेजुरीगढ़ की मैं भी रानी हूँ। रानी झगड़ो झगड़ो मत, झगड़ो मत झगड़ो, तुम दोनों बात को समझ लो। हाँ, तुम दोनों ही मुझे प्रिय हो, तुम दोनों मेरी हो। तुम्हारा झगड़ा किस बात पे है कि मैं किसका हूँ? अरे देखो, मैं तो पूरे विश्व का हूँ। मेरी बात सुनो, ऊपर का पर्वत मासा तुम्हारा और नीचे का पर्वत बाणाई तुम्हारा। हाँ, मैं सप्ताह में एक दिन बाणाई तुम्हारे महल में आऊंगा, बाकी दिन तुम्हारे पास। इसका मतलब सप्ताह में एक दिन मैं तुम्हारे महल में वास्तव्य करूंगा, बाकी दिन तुम्हारे पास। हाँ, तो अभी झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, शांत रहो। हाँ, तो मासा बाणाई को उसका महल दिखाए वो नीचे के पर्वत पे। इसको क्या महल दिखाए? क्या समझती क्या हो खुद को? क्या समझती हो? ज्यादा बकबक मत करो, मैं भी इनकी अर्धांगिनी हूँ, मेरा भी राज है यहाँ। अरे काहे की पत्नी काहे की अर्धांगिनी, खुद का मुंह देखो आईने में। क्या बोलती हो तू? ये वाह क्या देवा। हाँ? ये देखो हंस रहा है, हंस रहा है। अरे ये तुम्हारा कैसे देव मल्लारी? हाँ? दोनों बीवियों में लगा दिया झगड़ा और खुद मजा ले रहा है। और नहीं तो क्या, मारसा बाणाई भांडती आन देव मल्हारी मल्हारी,
देव गालात हसती, देव गालात हसती, देव गालात हसती। हाँ ऐसे ही होता है। अरे हर चीज से ऐसे आनंद लेना पड़ता है। हमारा भगवान मजा किया है, ऐसे उसने जीवन में आनंद कूट कूट के भरा है, देखा ना तुमने। सच में मल्लारी देव बहुत दयालु है। हाँ दयालु है, पर दयालु लोगों के लिए दयालु है। मतलब? हाँ, पर दुष्टों के लिए करदन काल है वो। करदन काल है वो? वो कैसे? औरंगजेब को एक बार ऐसा सबक सिखाया ना हमारे मल्हरी मार्तंड ने। औरंगजेब? और नहीं तो क्या। कैसे दिखाया? अरे तुम्हें तो पता है। क्या? औरंगजेब ने महाराष्ट्र पर हमला किया था। फिर? और उसने अपने लोगों को भ्रष्ट कर दिया। हाँ। और उनका धर्म भी भ्रष्ट किया जी। उसने मंदिर तोड़ दिए। उसका तो सर काट देना चाहिए था। हाँ, नहीं नहीं, उसने सब मूर्तियाँ तोड़ दी, सब तहस नहस कर दिया। और एक बार उसने तो जेजुरी पर हमला कर दिया। अगो भैया, जेजुरी मतलब महाराष्ट्र का कुलदैव। नहीं तो क्या। उस पे हाथ डाला, उसको छेड़ा। हाँ? अगो भैया, फिर उसे तो कुछ पता ही नहीं था, उसने हमला कर दिया। हाँ? और उसने किया क्या, क्या? सीधा गढ़ पे हमला बोल दिया। ऐसा क्या? वहाँ यशवंतराव किलेदार था। हाँ? तो यशवंतराव को उसने मार दिया। अब यवन ने यशवंतराव को मार दिया मतलब गढ़ का वाली कौन कौन। और फिर औरंगजेब खुद पर ही खुश हो गया। उसने लगाई बारूद और ऐसा विस्फोट किया। अगो भैया, और उसे क्या लगा? क्या लगा? अब ये जेजुरी का पत्थर का भगवान मेरा क्या बिगाड़ेगा। ऐसा क्या? ऐसी मस्ती में गया। हाँ? और उसकी मस्ती ऐसे झट से उतर दी मल्हरी मार्तंड ने। मारू तैयार है। ध्यान रहे, इस मुल्क का एक भी मंदिर बाकी नहीं बचना चाहिए, सबको बारूद से उड़ा दो। और सुनो, इस जेजुरी का भी खंडर बना दो। बहुत बड़ा भगवान बनता है ये खंडोबा। अब देखता हूं इसे कौन पूछता है। अरे अरे अरे, ये पठान, हमारे भगवान का मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? अरे हमारा भगवान है, अंदर रहता है वो। बुड्ढे, किससे बात कर रहा है तू? औरंगजेब बादशाह से बात कर रहा है। तो तुम्हारा भगवान इस मंदिर में रहता है, तो देख अब तेरे भगवान को मैं कैसे बाहर उठाकर फेंकता हूँ। आरा आरा आरा, ऐसा मत करो। आरखंडोबा हमारा भगवान है, कुल स्वामी है हमारा। आरखंडोबा मतलब शिव का अवतार है, उसको मत छेड़ो। अरे इस बूढ़े की बात सुनो। हाँ चल चल, निकल यहाँ से, बहुत हो गया, सुरंग फट जाएगा तो तेरे खंडोबा के साथ तू भी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। सिपाहियों, लगाओ अंगार सुरंग के अंदर और उड़ा दो इस मंदिर को। चल चल निकल यहां से। मैंने तो पहले ही कहा था, खंडोबा को मत छेड़ो। हाँ, जागृत देवस्थान है ये। बाबा, बाबा मेरे हाथ से बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा, लेकिन लेकिन अब क्या होगा? अब ऐसा करो, भगवान से क्षमा मांग लो, बड़ा दयालु है, क्षमा करेगा वो। खंडोबा मान जाएगा? बिल्कुल सुनेगा, कोई मन्नत मांग लो। बाबा लेकिन खंडोबा ये बुंगू को रोक देगा ना? बिल्कुल रोकेगा। मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं खंडोबा के चरणों में 125,000 का सोने का भूंगा चढ़ा दूंगा बाबा, 125,000 का। अरे हाँ बाबा, भौरे तो चले गए। मैंने तो पहले ही कहा था, बड़ा दयालु है वो। और देखो, मन्नत के बारे में मत भूलो। नहीं नहीं। हाँ? येलकोट येलकोट जय मल्हार, येलकोट येलकोट जय मल्हार, येलकोट येलकोट जय मल्हार। Thank you.
ए मेरे खंडोबा भगवान, मेरे मल्लू खान, मैं तेरा गुनहगार हूं। तूने मेरी और मेरे सिपाहियों की जिंदगी को बख्श दिया है। मैं जिंदगी भर तेरा गुलाम रहूंगा, गुलाम रहूंगा। ए मेरे मालिक, ये कबूल कर मेरे मालिक, इसे कबूल कर। इसे कबूल करो मेरे मालिक, इसे कबूल करो। जो भगवान के सामने झुकता है उसे भगवान माफ कर नहीं देता तो क्या है। क्या रे, औरंगजेब को भी देव ने माफ कर दिया? माफ किया मतलब? अरे औरंगजेब की क्या कथा लेकर बैठी हो तुम? मणिमल्ल जैसे राक्षसों को भी उपरती होने के बाद भगवान ने उन्हें मोक्ष दे दिया। वह औरंगजेब का क्या है, भगवान माफ नहीं करेगा क्या उसे? सच है रे, इसलिए कहते हैं कम से कम एक बार जेजुरी जाके खंडोबा का दर्शन करना चाहिए। करना ही चाहिए, मतलब करना ही चाहिए। पर सुनो, क्या रे, तुम कब गई थी जेजुरी? और मैं कब गई थी? हाँ? शर्म नहीं आती पूछने को? क्यों? हाँ, क्यों पूछ रहा है? अरे मैं हर पूर्णिमा को जाती हूँ, अमावस्या को जाती हूँ। शाबाश। इतना ही नहीं, गण पूजा, दशहरा, सोमवती अमावस्या, महाशिवरात्रि सबके लिए जाती हूँ। मैं हर सोमवार को भी जाती हूँ। मुझे पूछ रहा है आगे भाया। नहीं नहीं, इतना गुस्सा मत हो, गुस्सा क्यों कर रही हो? मतलब तुम तो सच्ची भक्त हो, तुम हर बार जाती हो। जाती मतलब जाती हूं। मुझे बताओ एक छोटा सा प्रश्न। हाँ? मुझे ऐसा एक बात बताओ कि तुमने क्या देखा है जेजुरी में? क्या देखा? हाँ? अरे बहुत कुछ देखा। ऐसा? मल्लारी को देखा। हाँ? कछुआ को देखा। और वो दीपमाल भी देखी। वो वहाँ पे बाण आई, वो मारसाई का भी दर्शन लिया। उसके बाद हेगड़ेवार, यशवंतराव और वो साक्षी गणपति का भी दर्शन ले लिया। और क्या क्या देखा मैंने, अरे वो खंडिया घोड़ा देखा, वाघ्या मुरली का खेला भी देखा। और कितना कुछ देखा, थक गई रे मैं। नहीं नहीं, इतना सब तुमने बताया पर तुमने असली बात तो बताई ही नहीं। इतना सब बताने के बाद महत्व बताओ, जेजुरी का महत्व बताओ। अरे सच है? मतलब जेजुरी गए और आपने क्या देखा ऐसा पूछा तो लोग क्या कहते हैं पता है? अढ़ाई सीढ़ी। अढ़ाई सीढ़ी का महत्व? अब इसको क्या बोलूं? एकदम ऐसे डर मत जाओ, ऐसा घबरा मत जाओ तुम। अरे अढ़ाई सीढ़ी का मतलब शिवाजी राजे और शाहजी राजे जब जेजुरी गढ़ पर आमने सामने आए, वो भी 12 साल बाद, उसके स्मरण में की गई वो याद है। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय गुलाम दास सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति की। क्या हुआ महाराज, रुक क्यों गए? जगदम्ब, 12 साल के बाद हम आबा सांप से मिलेंगे। बचपन में खेल खेल में लड़ाई खेलने वाले शिवबा को आज राजा बना देखकर आबा सांप को क्या लगेगा? लेकिन वो हमें पहचानेंगे कैसे? आबा साहब कर्नाटक में क्यों गए थे? हिंदवी स्वराज्य को उनके कृपा छत्र की आवश्यकता है, मां साहब की भी यही इच्छा है। मां साहब तो नहीं आ सकती, लेकिन मैं आबा साहब से विनती कर सकता हूं। आज इस खंडोबा के मंदिर में भेंट हो रही है, ये तो हमारा सौभाग्य है।
देवा मल्हारी, मुझे आबा साहब के सामने जाने की शक्ति दो। देवा मल्हारी, आबा साहब से मिलने के लिए मुझे हिम्मत दो। चलिए राधे, मुहूर्त समीप आया है, शाहजी राजे वहां पहुंच गए हैं ऐसी वार्ता मिली है। धैर्य नहीं होता, लेकिन आबा साहब हमें पहचानेंगे कैसे? महाराज, बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन प्राणी भी अपना बच्चा पहचान लेते हैं। महाराज, आपकी कीर्ति महाराज अच्छे से जानते हैं, आपको बिना देखे भी वो जरूर पहचान लेंगे। महाराज, सच है, हमारे आबा साहब के दमदार कदम हमें अभी तक याद है। उनकी चाल देखकर लगता है जैसे तानपुरे से सप्त स्वर गूंज रहे हो। और फिर आबा साहब आ रहे हैं ये बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। चलो, वो सप्त स्वर मेरे कानों में गूंज रहे हैं। आबा साहब को प्रतीक्षा करवाना, उन्हें प्रतीक्षा करवाना हमें शोभा नहीं देगा। चलिए चलिए। एक तप कितना बड़ा होता है, इसका एहसास आपको देखकर होता है। सचमुच आप बड़े हो गए, आप हमारा सपना साकार कर रहे हैं। लेकिन आबा साहब, हमारी प्रशंसा करने के लिए आप नहीं थे। आबा साहब, इसका हमें बहुत दुख है। 12 साल के बाद मिले हमारे आबा साहब को, हमसे एक क्षण के लिए भी दूर ना होने देना। ऐसी जेजुरी के इस मंदिर में खंडोबा से हम प्रार्थना करते हैं। आबा साहब, प्रार्थना करते हैं। बेटा शिवबा, आप शूर हो, आप बड़े हो गए हो, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलिए। हम कर्नाटक से अपने सारे काम निपटाकर समय निकालकर आपसे मिलने आए हैं। वापस लौटकर जाना होगा, वो हमारा कर्तव्य है। शिवबा, तुम्हारे आबा साहब ने वचन दिया है, उसे तोड़ दिया तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं आबा साहब, लेकिन आप जब तक यहां हैं, तब तक आप हमारे पास ही रहे आबा साहब, ऐसी हमारी इच्छा है। इसे हमारी जिद ही समझ लीजिए। शिवबा, आप राजा हो, राजा हट नहीं करता, राजा इंद्रिय विकारवश नहीं होने देते। सारे चराचर के संरक्षण के लिए राजा होते हैं। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। हम शरीर से कहीं भी हो, फिर भी मन से 12 साल आपके पास ही थे। ये खंडोबा सारे महाराष्ट्र का कुलदेवत है,
उनका आशीर्वाद लेकर ही हम पूना की तरफ निकलते हैं। मंत्री महोदय। जी महाराज। जेजुरी में शिवबा हमें 12 साल बाद मिले हैं। इसकी याद में जहां हम मिले वहां 2.5 पेड़िया बनाई है। जी महाराज। और इस खंडेराया ने शिवाजी महाराज को स्वराज स्थापन करने की शक्ति दी। दी मतलब क्या दी ही? अरे हमारा खंडोबा है ही ऐसा, भक्तों के पीछे खड़ा रहने वाला, और जो भक्त अनन्य भाव से शरण आता है उसकी वो मदद करेगा ही। एक बात बताती हूँ मैं तुमको। हाँ? हमारे पाले गांव की पालाई खंडेराय की बहुत बड़ी भक्त। अच्छा। उसके सपने में खंडेराय आ गया। ऐसा क्या? और कहा सामने वाली पहाड़ी पर मेरा मूल स्थान है, आओ और मेरी सेवा करो। ऐसा क्या? पालाई रोज जाती थी। हाँ? और बाद में वो जा नहीं पाई। हाँ? पर उसने क्या किया? हाँ? घर बैठे ही पूजा करने। हाँ? लगी। अच्छा। पर एक दिन खंडेराय ने उसे सपने में आके फिर से दृष्टांत। अच्छा? दिया, कहा इतने दिन तुम आ रही थी ना। हाँ? अब मैं तुम्हें मिलने आऊंगा। शाबाश। इसलिए उसे क्या क्या पता है। हाँ? गांव में वो। हाँ? लिंग रूप में प्रकट हुए। ए, शाबाश। हाँ? अरे है ही ऐसा, खैरे पाटिल की वजह से खंडोबा जेजुरी में आए। ऐसा क्या? और खैरे पाटिल जब थक गए तब उन्हें मिलने के लिए सफेद घोड़े पर खंडोबा आए थे। इसलिए उसे घोड़े उद्यान कहते हैं। नहीं तो क्या। हाँ। अरे भक्तों के पीछे खड़े रहने की परंपरा ही है भगवान की, भक्तों पर बहुत ही प्यार बरसाने वाला भगवान है ये। पुरंदर के जंगलों का शूरवीर शेर मतलब उमा जी नाई खंडोबा का परम भक्त था। अरे वो आ गया। हाँ? वो तो डाकू था ना। सच्चा रामोशी था वो। डाकू तो जरूर था। हाँ? पर जिनके पास बहुत पैसे है उनसे लूटकर गरीबों में बांट देता था। क्या? और उन्होंने मेन हमले किए, मेन पैसे लूटे वो अंग्रेज सरकार के। इंग्रज सरकार के विरुद्ध जाने वाला, उनको लूटने वाला, ये परम राष्ट्रभक्त था। और खंडोबा का भी परम भक्त था। हर बार बिना भूले वो खंडोबा के दर्शन के लिए गढ़ पे आता था। अरे अंग्रेज सरकार को डरा कर उन्हें बर्बाद करने वाला ये उमाजी नाइक था। ऐसे ही उसे बब्बर शेर नहीं कहते। अंग्रेज उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे, पर उनके हाथ तो वो लगा ही नहीं। अंग्रेज सरकार ने बड़े बड़े बख्शीश जाहिर किए उमाजी नाइक को पकड़ने के लिए। और ऐसा ही खंडोबा का परम भक्त उमाजी नाइक। बुड्ढे, यहां थूक के गंदगी क्यों कर रहा है रे? अरे ए तेरे बाप का क्या चाहते रे? बुड्ढे चुपचाप किला छोड़ के निकल जा, नहीं तो हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी। ये देख, इतनी इतनी मर्दन की है तो मल्लारी का खंडा उठा के घूमो ना। उठा उठा। ओ बाबा, अरे क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? यहाँ थूक कर गंदा मत करना, इतना ही तो कह रहा है ना नाना। है नाना, तुम दर्शन करके आओ, मैं यही रुकता हूँ। तुम ज्यादा अकलमंद लगते हो उससे। क्या नाम क्या है तेरा? मैं उमाजी नाइक। उमाजी नाइक। हाँ। यानी दादाजी नाइक का लड़का। अरे वाह 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 मेरे बेटे, कितना बड़ा हो गए रे तू। आप उनको पहचानते हो? अरे पहचानता ना, इतना बड़ा आदमी, शेर का कलेजा था उसका। तुम भी उसी के मार्ग पे चल रहे हो। जाओ अंदर जाओ, भगवान का दर्शन लो, आशीर्वाद ले लो उससे। बाबा, इसका आशीर्वाद लेकर ही मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा हूँ। अरे अपना सच्चा बल तो खंडोबा का है। जैसा भाव वैसा देव। जाओ अंदर जाओ, खंडोबा का दर्शन लो। जाओ जाओ जाओ।
और इस बूढ़े को प्रसाद देना मत भूलना। जाओ जाओ बाबा, प्रसाद लेके आना है। हाँ 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 बाबा। गया। भगवान, खंडेराया, मल्लारी मारतन, खंडोबा, खंडोबा, मैंने आज तक तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। ये उमा जी तुम्हारा बच्चा है खंडेराया। भगवान, भगवान, इन गोरों ने मेरे देश को गुलाम बना दिया है। अरे पूरे विश्व का त्राता कहलाने वाला तू, इस पूरे विश्व का त्राता कहलाने वाला तू सिर्फ आंखें खुली रख देख रहा है। नहीं खंडेराया, इन अंग्रेजों को उनके देश भेजे बिना मैं चुप नहीं रहूंगा। अरे मेरे शरीर में 10 हथियारों का बल है खंडेराया, मैंने एक ही थान लिया है, इन अंग्रेजों को यहां से भगाए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगा। मुझे पता है खंडेराया, ये मेरे अकेले से होने वाला काम नहीं है। अरे उसके लिए मैंने 100-200 लोगों की फौज खड़ी की है, उतने जवान खड़े किए हैं, उन्हें कुल्हाड़ी चलाने की शिक्षा दी है, उन्हें दानपट्टा चलाना भी सिखाया है, इतना ही नहीं तो बंदूक भी चलानी सिखाई है। पर खंडेराया, जब तक तुम्हारा आशीर्वाद नहीं मिलता, तुम्हारा सहारा जब तक नहीं मिलता खंडेराया, तब तक हमें यश नहीं मिलेगा। भगवान, तब तक हमारे सारे कष्ट बेकार जाएगी। भगवान, मार्तण बनकर तुमने मणि और मल्ल का नाश किया, गौर गरीबों को बहुत मदद की, और अब उन्हीं गौर गरीबों की कौन मदद करेगा भगवान, कौन? खंडेराया, खंडेराया, जिस हाथ से आपकी प्रार्थना की, जिस हाथ से आपकी सेवा की, वही हाथ अगर गुलामगिरी की बेड़ी में अटक गए तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा, तुम्हारी प्रार्थना कौन करेगा? खंडेराया, 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 हम पर सदा तुम्हारा आशीर्वाद बनाए रखना, हमें आपका सहारा ऐसा ही मिलता रहे भगवान। खंडेराया, इतना ही चाहता हूं मैं तुमसे। सदानंदाचा येळकोट, 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 जय मल्हार, येळकोट, येळकोट, जय मल्हार, जय मल्हार। ए ए ए ए बाबा, प्रसाद तो देते जाओ। भगवान, भगवान खंडोबा, तुम हो? अरे मेरे लाल, मैं सोच रहा था तुम पहचानते हो कि नहीं, मैंने परीक्षा ले ली तुम्हारी। मैं ही खंडोबा हूं, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, तुम्हें तुम्हारे कार्य में सफलता मिलेगी, तुम अंग्रेजों का काल बनोगे। एक बात याद रखना, गरीबों को और साधु संतों को कभी परेशान मत करना, तुम में 100 हाथियों की ताकत आ जाएगी। ये भंडारा लो। तुम्हारे हाथ पे बांधो,
जब तक ये तुम्हारे हाथ पे मौजूद है तब तक तुम्हें कोई डर नहीं। याद रखना, तुम देश के लिए ही जियोगे और देश के लिए ही मरोगे। तुम्हारे कार्य में तुम्हें सफलता मिले। खंडोबर आया, एयरकोट जय मल्हार, एयरकोट जय मल्हार, एयरकोट जय मल्हार, एयरकोट जय मल्हार। एयरकोट का मतलब क्या है? मुझे बताओ मुराले, अपना देश कृषि प्रधान है कि नहीं? है ना। तो यहाँ का गरीब भोला भाला किसान भगवान के पास क्या मांगता होगा बेचारा? क्या मांगेगा वाग्या? हैं? बारिश होने शाबस। दो, खेती बाड़ी अच्छी होने दो, सच है, बरकत होने दो, हैं? सुख शांति मिले, सच है। अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाता हूँ। इड़ा मतलब है पृथ्वी और कोट मतलब पूर्ण पात्र। ऐसा क्या? भगवान इस पृथ्वी पर अच्छी खेती बाड़ी हो और बहुत बारिश हो और मेरा पूर्ण पात्र भरे, इसलिए मैं तुम्हारे नाम का एयरकोट कर रहा हूँ। आया ध्यान में मुरले? ये इसके पीछे की बात है। पर वागो है? मेरा और एक सवाल है। तुम हमेशा प्रश्न ही पूछती हो। आप अब कौन देखो सा? ना अब ये हमने जागरण किया है ना, है? बहुत सारे लोग नर्वस करते हैं। सच है? वो नर्वस पूरा करने के लिए जेजुरी को ही जाना पड़ता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो अरे कैसे है, खंडोबर आए के 8 पीठ है। ऐसा क्या? 8 पीठ। हाँ। उनमें से किसी भी मंदिर में जाकर पूजा करे। ऐसा क्या? अब ये देखो। हाँ। अरे कड़े पठार, जेजुरी, निमगांव, कावड़ी पुणे के पास है, पाली चेंबर सातारा में है और शेगुड नगर में है। उसके बाद सातारा में, संभाजी नगर में, औरंगाबाद के पास, प्रेमपुर बिदर में, नलदुर्ग और धाराशिव कर्नाटक में है। और इसके अलावा गांव गांव में उनके मंदिर तो है ही, पर मूल स्थान खंडोबा का है जेजुरी। और खंडोबा तो एक ही है, पूरा भारत देश उनकी पूजा करता है मुराले। खंडोबा के कई सारे नाम है, इसलिए अष्टपीठ है ना, इतने है? सारे नाम इसलिए है, है? कौन सी पता है क्या? कौन सी? खंडोबा को बोलते हैं मैराज, सच है, कोई बोलते हैं मैलार, सच है, कोई बोलते हैं खंडोची, है? खंडेराया, बराबर, मारसा खान, मारतंड, कितने सारे नाम है बाबा। और मल्लू खान भी। अरे मल्लू खान तो भूल ही गए। ऐसे अलग अलग नाम है। हमारा ये खंडोबा राया 18 जातियों का और हिंदू धर्म का कुलदैवत है, समझ गई? इसीलिए जब किसी भाविक को सपने में घोड़ा, कुत्ता या नंदी दिखता है, हाँ? तो वो भक्त समझ जाता है कि खंडोबा ने उसे बुलाया है और वो भागते भागते उसके पास पहुंच जाता है। समझ गई ना मुरले? समझ में आया वाग्या? हाँ? ये खंडोबा का महात्म्य बताने के लिए पूरा जन्म भी काफी नहीं है। अब तो रात भी बीत गई, हाँ? सुबह होने को आई है। चल चल अब 5 सुपारी चढ़ाएंगे खंडोबा। चलो अब हम भगवान की पूजा करेंगे। हाँ। और इस पंचतत्व के जागरण की समाप्ति करेंगे मुराले। करेंगे करेंगे। धनानले
देवाला चक्री